बढ़ाना है। यह कहानी हमें ईमानदारी की एक बहुत अच्छी सीख देती है। हमारी इस कहानी के पात्र कुछ इस तरह है। निवेदक वृशाली, समीहा कोलगांवकर की माँ, जलदेवी नम्रता, बिहान नारकर की माँ, ईमानदार लकड़हारा सोमा बीना भावना, तिथि सेठिया की माँ, बीना की पत्नी बरखा, समर नागपाल की माँ, बेईमान लकड़हारा सोमा वंदना, मोहित गुर्जर की माँ, तथा विशेष आभार हर्षदा, सुरभि तांबड़े की माँ। तो बच्चों, कहानियों के इस मजेदार सफर में और एक रंग बिरंगी कहानी का आनंद उठाते हैं। जंगल के पास ही एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। वो पड़ोसी थे और एक दूसरे के बाजू में रहते थे। दीना पहला लकड़हारा बहुत ही चुस्त और ईमानदार लकड़हारा था। सोमा जो दूसरा लकड़हारा था वो बहुत ही आलसी और बेईमान लकड़हारा था। वो दोनों अपनी रोजी रोटी जंगल में लकड़ियां काट के कमाते थे। हमेशा की तरह एक दिन सुबह दीना अपने काम पर निकला। सुबह काम करने जा रहा है, बेकार, मैं तो थोड़ी देर बाद जाऊंगा। सोमा की जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां थी, क्योंकि वो मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। दीना जंगल में जाकर लकड़ियां ढूंढने लगता है। आज मुझे यहाँ अच्छा लकड़ा नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है मुझे नदी के किनारे जाना चाहिए, शायद मुझे वहाँ अच्छा लकड़ा मिल जाए। तो दीना नदी के किनारे चला गया। वहाँ उसे एक बड़ा पेड़ मिला। दीना पेड़ पर चढ़ा और उसे काटने लगा। जब वो काट रहा था, कुल्हाड़ी उसके हाथों से फिसली और नदी में जा गिरी। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मेरे पास पैसे कमाने का यही तो बस एक साधन था, इसके बगैर अब मैं क्या करूँगा? हे भगवान! दीना जो रोने रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। जलदेवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसके सामने प्रकट हुई और उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? माते, मेरी कुल्हाड़ी नदी के पानी में गिर गई है, कृपया मेरी मदद करें माँ। तुम्हारी कुल्हाड़ी मैं तुम्हें लौटाऊंगी। जलदेवी ने नदी से एक कुल्हाड़ी निकाली। वो सोने की थी और बहुत चमक रही थी। उसने दीना से पूछा, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी है? नहीं माते, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। जलदेवी ने फिर एक और कुल्हाड़ी निकाली। वो चांदी की कुल्हाड़ी थी। क्या ये की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं माते, नहीं, यह चांदी की कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। आखिर में जलदेवी ने एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और दीना से पूछा, तो क्या ये लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ माते, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है माँ। दीना के मुंह से सच्चाई सुनकर जलदेवी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने दीना को इनाम देने का सोच लिया। शाबाश मेरे बच्चे, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुई, तुमने सच बोला। बात यह इनाम है, सारी कुल्हाड़ियां अब तुम्हारी है। दीना खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियों के साथ घर चला गया। जब वो सोमा के घर के पास से गुजरा, सोमा ने कुल्हाड़ियां देख ली और वो
चौंक गया। अरे सुबह तो वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आया था, पर अब मैं क्या देख रहा हूँ कि वो एक सोने की और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया है। जरूर कुछ गड़बड़ है, इसके पीछे जाकर पता लगाता हूँ। सोमा चुपके से दीना का पीछा करने लगा। दीना घर पहुंचा और उसने अपने पत्नी को बुलाया। अरे सुनती हो, कहाँ हो? बाहर आओ जल्दी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आ रही हूँ, कुछ खास है क्या? तुम खुद ही आकर देखियो। कैसे कैसे ये सोने चांदी और कुल्हाड़ियाँ आपको कहाँ से मिली? दीना ने समझाया कि कैसे जलदेवी प्रकट हुई और कैसे उसने उसे ये कुल्हाड़ियाँ दी। हम ये कुल्हाड़ियाँ बाजार में बेच देंगे। अरे वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। सोमा बाहर से सब बातें सुन रहा था और उसने दूसरे दिन दीना का पीछा करने का सोच लिया। दीना सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ बेचकर धनवान हो गया। दीना के अमीर होने के बावजूद वो हमेशा की तरह काम पर जाने लगा। अरे दीना, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हमेशा की तरह काम पर। ठीक है, मिलते हैं। ये तो सच में पागल है। जमीन बनने के बाद जिंदगी के मजे लेने के बगैर ये तो अभी काम करने जा रहा है। इसके पीछे जाकर पता लगाना होगा कि ये लकड़ियाँ कहाँ से काट के लाता है। सोमा दीना का जंगल में पीछा करता है। दीना नदी के किनारे जाकर अपना काम शुरू करता है। अच्छा, ये वो नदी है जहाँ इसकी कुल्हाड़ी गिरी थी। इसके जाने तक मैं यही रुकता हूँ। दीना के जाने के बाद सोमा जल्दी से नदी के पास गया और उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। हे देवी माँ, मेरी मदद करे, मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस पाने मेरी मदद करे। सोमा की पुकार सुनकर जलदेवी नदी में से प्रकट हुई और उसने सोमा से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बेटा? माँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, कृपा करके मेरी मदद करे। ये एक बेईमान लकड़हारा है, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। जलदेवी ने फिर नदी में से पहले एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और सोमा से पूछा, क्या ये लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? अरे दीना तो अपनी पत्नी से कह रहा था कि देवी ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, पर ये तो मुझे लोहे की कुल्हाड़ी दिखा रही है। कोई बात नहीं, मैं इसे झूठ बोल देता हूँ। नहीं माँ, ये मेरी नहीं है। जलदेवी ने फिर एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और सोमा को दिखाई। तो क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं माँ, ये भी मेरी नहीं है। अंत में जलदेवी ने सोने की कुल्हाड़ी निकाली। तो क्या सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? अरे हाँ हाँ, यही तो मेरी कुल्हाड़ी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे झूठ बोला, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहकर जलदेवी पानी में गायब हो गई। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी है भगवान, मैंने झूठ बोला, मुझसे गलती गई, अब मैं क्या करूँगा हे भगवान। सोमा का चीखना चिल्लाना सब बेकार था। वह बिना कुल्हाड़ी के घर वापस लौट गया और उसने अपना सबक सीख लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? क्या सीख मिली हमें? झूठ बोलना बुरी बात है, हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से हमें इनाम मिलता है और झूठ बोलने से हमारे साथ